हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी साइंस से कुछ क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वायु कांच की एक अंतर सतह पर तरंगदैर्ध्य का हरा प्रकाश आपतित हो रहा है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तब कांच में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होगी। सी का मान दिया हुआ है ना, प्रकाश की जो चाल है वो कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर आप ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, जैसा हम जानते हैं क्या कि म्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, एक फार्मूला होता है ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो हमारे पास वेवलेंथ में चेंजिंग आई वो क्या होगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा ठीक। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू दिया है किसका, लैम्डा का 5600, और ये कितना हमारे पास है, तो ये 40 ठीक ना, 5640 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी आफ्टर डिवाइडिंग वो आएगी 3706 एंगस्ट्रॉम ठीक ना, ये वैल्यू आएगी ठीक। तो जैसा हम देख रहे हैं हमारे पास चारों ऑप्शन में वैल्यू नहीं दिया है, 3706 एंगस्ट्रॉम जो है ये वैल्यू गिवन नहीं है, मीन्स ऑप्शन डी जो होगा हमारे पास, ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है स्फेरिकल लेंस दिया यानी बेलनाकार लेंस दिया है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस दिया है, कॉनकेव यानी अवतल लेंस दिया है, और इसमें से कोई नन आप दीज। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन सी जो दिख रहा है ये क्या है, करेक्ट है। अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है मायोपिक लिए, यानी जो इसको व्यक्ति को क्या होती है, निकट दृष्टि दोष होती है। जैसा हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है, निकट की चीज़ें तो अच्छी दिखती हैं, क्लियर दिखती हैं, जो दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं, और उसे क्या करना होता है, हमें अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जैसा सभी लोग जानते होंगे जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट को यानी जो हमारे पास वस्तु है उसे कहीं भी रखेंगे, हमेशा ऑलवेज क्या होता है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है क्या होता है, वो हमारे पास एक आभासी ही मिलता, आभासी और सीधा ही मिलता है ठीक ना। तो हम कह सकते हैं जो हमें मिलेगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, किसके लिए, उत्तल दर्पण का। इससे क्वेश्चन और बनता है, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जैसा सभी लोग जान देंगे कि जो व्हीकल्स हमारे पास होते हैं, जो मोटर गाड़ी वाहन होते हैं, इसमें जो साइड ग्लास रहता है इसे रियर व्यू मिरर के नाम से जानते हैं, तो वो मिरर जो होता है वो होता है एक्चुअल में क्या, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है यानी उत्तल दर्पण ही होता है ठीक। इसके साथ साथ इसके और भी नंबर आप एप्लीकेशन से, जैसे हिल स्टेशन पे जहाँ पर रोड क्या होते हैं ऐसे कर्व पाथ होते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ भी लगा देते हैं कि इधर से व्हीकल आने वाले को यह दिख जाए, इधर से वालों को ठीक। और जब सीसीटीवी नहीं हुआ करता था तो दुकानदार भी अपने दुकानों में लगाए हुआ करते थे कि जितने ग्राहक आए सभी ग्राहकों को एक ही जगहों पर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के लिए यदि X1 व X2 वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब की फोकस से दूरियां हैं तो दर्पण की फोकस दूरी है, तो ये फार्मूला हमारे पास देखना पड़ेगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो क्या हमारे पास फार्मूला है, 1/F = 1/V + 1/U ठीक। अब क्या कर देंगे, X1 और X2 पुट करेंगे तो X1 + 1/X2 हो जाएगा ठीक। तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/F = X1 + X2 / क्या हो जाएगा, X1 X2 ठीक ना। और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो रेसिप्रोकल करने पर हमारे पास मिल जाएगा F = X1 X2 / X1 + X2 ठीक ना, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन ही तो क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यू हमने देखा अभी वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एक L लंबाई की छोटी रेखीय वस्तु एक F फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के अक्ष के अनुदिश U दूरी पर पड़ी है, उसके प्रतिबिंब की अच्छी लंबाई का मान होगा ठीक ना। तो इसके लिए जो हमारे पास सिंपल फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, यही वाला फार्मूला है ठीक ना, L × F / U - F² ठीक ना, ये हमारे पास फार्मूला है, जिसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना यही है कि जो हमारे पास जो फार्मूला होता है 1 अपान
एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। इसी फार्मूले का यूज करते हैं, जब सॉल्व कर देते हैं जैसे क्या करेंगे हम, जैसा दिख रहे हैं वी को इलिमिनेट करना है तो इसे वी से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, जो वी से मल्टीप्लाई कर देंगे आफ्टर सॉल्विंग क्या आएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ पर हमारे पास जो केस आ रहा है यही वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर।